तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमारा विषय यह है कि क्या हम हमारे प्रथम भविष्य में स्थिर है या नहीं, और उसके साथ साथ हमें ये बात भी पता चलती है कि अगर वापस दिया यदि, मतलब यदि आता है जब आता है तब आता है क्योंकि आता है, इसका मतलब मामला गंभीर है। यदि हम हमारे प्रथम भरोसे पर क्या लिखा है, अंत तक, मतलब आखिरी सांस तक या यीशु आने तक, अंत तक दृढ़ता से केवल स्थिर नहीं रहना है तो दृढ़ता से स्थिर रहना है, मतलब हालात मेरे विपरीत हो या हालात मेरी ओर से हो, परिस्थिति गंभीर हो या साधारण हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या बरकत हो, चंगाई हो या बीमारी हो, सताव में हो या अच्छे स्थान में हो, अपमान में हो या निंदा में हो या सम्मान में हो, हर परिस्थिति में यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे तो ये शर्त यहां पे लगाई गई है। और इस शर्त के अनुसार दुष्ट क्या करता है, विश्वासियों को, मसीहों को उनके प्रथम भरोसे से, उस पहले प्रेम से, ओरिजिनल कन्विक्शन से, नाना प्रकार के प्रलोभन से, अट्रैक्शन से, आकर्षक बातों से, दुनियादारी की बातों से, क्योंकि आज जिस दुनिया में हम चल रहे ये ग्लैमरस की दुनिया है, ये आकर्षण की दुनिया है, ये वासना से पूरी तरह से भरी हुई दुनिया है, फैशन की दुनिया है, दुनियादारी की दुनिया है। और इस परिस्थिति में वही व्यक्ति मसीह का भागीदार होगा जो अंत तक अपने प्रथम विश्वास में, अपने प्रथम प्रेम में, अपने परमेश्वर के प्रथम एहसास में अंत तक जो बना रहेगा वही भागीदारी में बना रहेगा। और वही भागीदार यीशु मसीह जब आएगा, वो भागीदार जिंदा हो या मुर्दा हो, यीशु के साथ उठा लिया जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये शायद इसलिए मैंने प्रार्थना में कहा, किसी को ये गंभीर लगता हो या ना लगता हो, लेकिन मुझे आपको अपने व्यक्तिगत जीवन में इसे गंभीरता से लेना होगा। हर दिन जैसे किसी चेकअप के लिए डॉक्टर के पास रूटीन चेकअप के लिए लोग जाते रहते, वैसे ही हमारे डॉक्टर के पास हमें रोज जाना होगा और अपने आप की जांच करनी होगी कि क्या आज भी मैं उसी प्रथम भरोसे पर अटल हूँ, या परिस्थिति आज सुबह सुबह बीमारी की है, या परिस्थिति सुबह सुबह आज पैसों पानी की है, या परिस्थिति फैमिली प्रॉब्लम की है, और इन परिस्थितियों ने क्या मुझे प्रथम भविष्य से दूर तो नहीं लेके गया है। ये बात के ऊपर मुझे अपने आप की जांच करनी होगी। समस्या आएगी नहीं, ये झूठी सेवकाई और झूठी भविष्यवाणी करने वाले हम लोग नहीं है। मैं ये कहूंगा समस्या जरूर आएगी, लेकिन एक वायदा उसमें है, हर समस्या में मेरा यीशु मेरे साथ है, जो हमने आराधना में गाया है। हालेलुया। मैं ये नहीं कहूंगा फाइनेंशियल, आज लोग कहते हैं आओ तुम्हें बरकत मिलेगी, शांति मिलेगी, करोड़ों रुपए मिलेंगे, मैं ये नहीं कहूंगा आएंगे, लेकिन ये आने के बाद आपको आपके कीमती प्रथम भरोसे पे अंत तक दृढ़ता से बने रहना है, तब जाके आप मसीह के भागीदार होंगे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि इस विषय को कहीं ना कहीं रोक दूं, लेकिन कल रात मैं 3 बजे तक प्रार्थना कर रहा था, सोच रहा था, और ऐसी कुछ बातें प्रभु मेरे सामने लेकर आ रहा था। अभी तक हमने नेगेटिव पार्ट को देखा, किसके नेगेटिव पार्ट को देखा, इजराइलियों के नेगेटिव पार्ट को देखा, कि उन्होंने जो गलतियां की, उनका प्रथम भरोसे में से वो अस्थिर होने के कारण क्या थे। कारण नंबर 1, विलंब, देरी हो गई थी। कारण नंबर 2, मिलीजुली भेड़, मिक्स क्राउड, मिक्सर लोग उनके साथ थे जो मिस्र से निकले हुए थे। और कारण नंबर 3 जो हमने पिछले इतवार को देखा, वो कारण था कि वचन उन्होंने मन में नहीं बिठाया था, परमेश्वर की बातों को मन में नहीं बिठाया था,
इसका मतलब परमेश्वर को उन्होंने मन में नहीं बिठाया था, इसलिए बार बार उनका मन कच्चा होता था, बार बार उनका मन बहक जाता था, बार बार उनका मन कठोर होता था। अब यही बातें इब्रानी 3:12-14 में हम देखते हैं कि पौलुस वहां पे कहता है कि ये भाइयों क्या रहो, चौकस रहो। क्यों रहो? क्योंकि तुम में से कोई बुरे मन वाला, अविश्वासी मन वाला या परमेश्वर से दूर जाने वाला ऐसा कठोरवादी ना बन जाए। क्योंकि एक बार कठोरता आ जाती है तो वो कठोरता में जो पहले डार्लिंग डार्लिंग करने वाला वही आई हेट यू कहना शुरू कर देता है। कठोरता जब आती है तब अपने रिश्ते नाते कड़वे हो जाते हैं। जब कठोरता आती है ना तो इंसान को केवल अपना ही मकसद और अपने ही फायदे की बातें दिखती है। लेकिन जब वहां पे वो प्रथम भरोसे का प्रेम, फर्स्ट कन्विक्शन का प्रेम जब रहता है ना, तब उसे फायदा हो या ना हो वो प्रेम करते रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसी बात पर हमने इसराइलियों के नेगेटिव पॉइंट्स को देखा था और भजन संहिता के कुछ वचन को पढ़कर आज कुछ बातों पर और गहराई से हम देखेंगे, लेकिन नकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं, तो हम सकारात्मक दृष्टिकोण से कुछ बातों के ऊपर ध्यान लगे। तो पढ़ेंगे भजन संहिता 81 और वचन 10 से लेके आगे, बहुत सारे वचन लेकिन कुछ ही वचन हम पढ़ेंगे। 81:10 से लेके आगे। तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, जो मुझे मिस्र देश से निकाल लाया है, जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है। तू अपना मुंह मसाल, मैं उसे भर दूंगा। कहाँ से निकाल लाया है? मिस्र देश से निकाल लाया है। इसीलिए तू मिस्र को याद मत कर, एक साइड से ये कहना है अपने मुंह को फसाल, अपने मुंह को अच्छी तरह से खोल ताकि मैं तेरे मुंह को कुड़कुड़ाहट से निकाल कर, सभी प्रकार की चिंताओं की बातों से निकाल कर मेरी आशीषमय बातों से भर दूं। परंतु हाँ, मेरी प्रजा ने मेरी ना सुनी। ये परमेश्वर, अभी मुझे बताओ कि अगर मैं नकारात्मक दृष्टिकोण से बातें बता रहा हूँ तो परमेश्वर भी नकारात्मक बातें बता रहे ना। परमेश्वर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, मेरी प्रजा ने मेरी ना सुनी। ये वचन सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा सुबह। अभी लोग अभी मेरा ये नहीं सुनता है, मेरा वो नहीं सुनती है, मेरा ये नहीं सुनती है, मेरा वो नहीं सुनता है। आपको क्या पता है जिसने सारे संसार को निर्माण किया वो कहता है मेरे लोग मेरा नहीं सुनते है ना। कभी कभी माँ कहती है बच्चे नहीं सुनते मेरे, बीवी कहती है पति नहीं सुनता है मेरा, पति कहता है पति नहीं सुनती है मेरी, भाई कहता है भाई नहीं सुनता है मेरा। लेकिन यहाँ पे खुद परमेश्वर कहता है जिन्हें मैंने मिस्र से छुड़ाया, जिन्हें मैंने गुलामी से बाहर निकाला, वो मेरी प्रजा मेरी नहीं सुनती। आगे, इसराइल ने मुझको ना चाहा। इसराइल ने कभी कभी बोलते ना मैंने इतना किया बाबा तुम्हारे लिए, मैंने इतना दिन रात तुम्हारे लिए किया, लेकिन तुम्हारे तरफ से मुझे क्या मिला? मैंने तुम्हारे लिए इतना सैक्रिफाइस किया, मैं तुम्हारी चाहत में मैं आउट ऑफ द लिमिट जाकर कुछ ना कुछ किया। लेकिन परमेश्वर कहता है इतना करने के बावजूद मेरी प्रजा मेरा सुनती नहीं, और मेरा प्रजा के लोग इज़राइल ने मुझे ना चाहा। जो प्यार से भरा हुआ परमेश्वर, जो दया सागर मंद को दी परमेश्वर, जिसने प्रेम से उनको उस वहां पर जो गुलामी में वो काम कर रहे थे वहां से निकाला। कैसा काम कर रहे थे पर थोड़ा सा ना ब्रदर, 6 वचन पढ़ो इसी अध्याय का। मैंने उनके कंधों पर से बोझ को उतार दिया, मैंने उनके कंधों पर से बोझ को उतार दिया, उनका कटोरा उनकी कटोरी नहीं, उनकी टोकरी टोकरी ढोना छूट गया। हाँ, अब ये टोकरी ढोना और उनके कंधों पर बोझ क्या था पता है? ये मिस्र में जब थे तो उनको ईंट बनानी पड़ती थी, और बड़े बड़े इतिहासकार कहते हैं कि उस वक्त मिस्रियों को सॉरी इसराइलियों को मिस्र में कम से कम 18 घंटा काम करना पड़ता था। अब वो 18 घंटे में काम क्या था पता है? किसी व्यक्ति को 18 घंटा कीचड़ में ही, वो कीचड़ में अपने पैर लगाकर उस मिट्टी को छोटा करना पड़ता था या मुलायम करना पड़ता था। कुछ लोगों को टोकरी लेके मिट्टी लाना पड़ता था, कुछ लोग कंधे पर वो घास लेकर आते थे। 18 घंटा इतनी दर्दनाक
अवस्था में वो थे, उसके बावजूद जब वो परमेश्वर के द्वारा छुड़ाए गए तब वो रेडीमेड मन्ना खा रहे थे और रेडीमेड चट्टान से पानी पी रहे थे, नॉनवेज के लिए वो लावा पक्षी भी परमेश्वर ने भेजा, उसके बावजूद बाइबल कहते कि परमेश्वर खुद कहता है मेरी प्रजा ने मेरा नहीं सुना, इज़राइल ने मुझे नहीं चाहा। हम कभी कभी सोचते ना ऐसा क्यों, लेकिन खुद परमेश्वर के साथ ये बीती हुई घटना है तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे किसी के दुख के साथ हम एक रूप हो जाते हैं, तो आज परमेश्वर की भी दुख के साथ एक रूप हो जाओ कि जिसने इतना करने के बावजूद उसको कुछ नहीं मिला बिना कड़वाहट और कठोरता से। आगे 11 वचन, परंतु मेरी प्रजा ने मेरी ना सुनी, हाँ इज़राइल ने मुझको ना चाहा, इसलिए मैंने हाँ उसको उनके मन के हाथ पर छोड़ दिया। इसलिए परमेश्वर हमें ये भी बताता है कि अगर आपको यह अनुभव है, आपने जिनके लिए दिन रात करते हुए उन्होंने आपको नहीं चाहा, आपने जिनके लिए बहुत कुछ करके उनको छुड़ाया फिर भी उन्होंने अगर आपकी नहीं सुनी है, तो अभी अपना समय ऐसे लोगों के पीछे बर्बाद मत करो, बस दुआ करो, परमेश्वर के हाल में उनको छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर कहता है मैंने उनके हठीले मन के द्वारा उनको छोड़ दिया। परमेश्वर भी एक सर्तन मुझे आपको बताना है, जब तक आपको अंदर से कुछ चुभता है ना, जब तक अंदर से आपको आवाज आता है ना, नहीं ये नहीं करना चाहिए, ये आपके लिए गुड न्यूज है, लेकिन जिस दिन से आप गलत राह पे चल रहे हो, आपको अंदर से आपका भीतरी मनुष्यत्व अगर आवाज नहीं दे रहा है, अगर आपको अंदर से अगुवाई नहीं होती कि तू गलत राह पे चल रहा है, तू गलत देख रहा है, तू गलत बोल रहा है, तो समझना है कि परमेश्वर ने छोड़ दिया। कुछ लोग कहते ना परमेश्वर को छोड़ने का चिन्ह क्या है, तो परमेश्वर ने छोड़ने का चिन्ह ये है कि जब मनुष्य अपने मार्ग पे चलते हुए तब उसको एहसास नहीं होता है कि मैं गलत कर रहा हूं, तो ये चिन्ह है कि परमेश्वर ने छोड़ दिया। लेकिन एक समय आता है उड़ाऊ पुत्र के समान परमेश्वर एक समय में होश में भी लाता है। बाइबल कहती है कि जब उड़ाऊ पुत्र प्रोडिगल सन होश में आया तब उसे याद आया कि मेरे बाप के घर में नौकर चाकर को भी रोटी और अच्छा मांस खाने को मिलता है, लेकिन इधर सुअरों का खाना भी मेरे नसीब में। बाइबल यहाँ पे कहती है कि परमेश्वर ने एक सर्टन लिमिट तक उसको समझाया, उनके सामने अपनी महिमा को प्रकट किया, बार बार मूसा परमेश्वर की जलजलाहट को ठंडा करता था, जोखिम वाली जगह पर आकर वहां पे परमेश्वर के सामने रुककर लोगों के लिए विनती करता था, लेकिन एक समय आया परमेश्वर ने छोड़ दिया। इसीलिए इब्रानी 3:16 से आगे अगर पढ़ेंगे तो जंगलों में उन लोगों की लाशें पड़ी, वे लोग हैं जो हठीली मन की हो गई। इसीलिए पौलुस कहता है कि हे भाइयों चौकस रहो, तुम में से कोई भी बुरे मन वाला, अविश्वासी मन वाला, परमेश्वर से दूर जाने वाला, हठीले मन का ना हो ताकि परमेश्वर छोड़ दे। समझ में आ रहा है, भागीदारी तब तक बनी रहेगी जब भागीदार दूसरे भागीदार के संपर्क में रहेगा, जब एक दूसरे के साथ वार्तालाप रहेगी, जब एक दूसरे के साथ चलना होगा तब वो भागीदारी चलती रहेगी। लेकिन अगर भागीदारी को तोड़कर हम खुद अपनी मनमानी करेंगे, दूसरा भागीदार कहेगा तू तेरा देख ले, मैं मेरा देख ले, तो ये कारण है उसके पीछे का। इसीलिए शायद सुनने के लिए लगता होगा बार बार ये बात क्यों आ रही सामने, इन दिनों में प्रचार बहुत सारे कर सकता हूं, बड़े बड़े रेवलेशन प्रभु ने दिए, लेकिन मेरा एक अनुभव या मेरा एक तजुर्बा मैंने इन सालों में देखा है, मैंने बड़े बड़े रेवलेशन प्रचार किए, लेकिन वो रेवलेशन या प्रकाशन पे उस दिन बहुत तालियां बजती है, आमेन हालेलुया बोला जाता है, लेकिन दूसरे दिन के बाद लोग भूल जाते। बड़े बड़े प्रचार के रेवलेशन आए लेकिन इन रेवलेशन से किसी का जीवन नहीं बदला, लेकिन वचन की अगर कड़वी अगुवाई भी आती है ना तो वो बार बार हमको अपने अस्तित्व को बताएगी, क्या मैं मेरे प्रथम भरोसे में अंत तक दृढ़ हूं या बीच में से ही अपनी गाड़ी पंचर हुई है ना। क्या फेसबुक पे आप हमेशा एक पोस्ट देखते होंगे, एक ट्रक चला जा रहा है मतलब रुका हुआ है, पंचर हुआ है वो, लेकिन उस ट्रक के अंदर ना बहुत सारे टायर पड़े हुए, क्या दृश्य है वो ट्रक के अंदर बहुत सारे टायर होने के बावजूद वो चलने के लिए नाकाम है। क्यों नाकाम है? क्योंकि उसने अपनी ताकत खो दी है, अपनी बलबूते, भले वो टायर्स लेकर जा रहा है बड़े बड़े, लेकिन उसके खुद के पहिए नाकाम है। क्या मेरा प्रथम भरोसे का टायर आज के डेट में नाकाम है या काम कर रहा है?
ये इंपॉर्टेंट है। आमीन हालेलुया। आगे चलते हाँ, कि वह अपनी ही युक्ति के अनुसार चले, वो अपने युक्ति के अनुसार चले। इसके पहले हमने देखा भजन संहिता 106 में उन्होंने परमेश्वर की युक्तियों का इंतजार नहीं किया, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, उन्हें अपने मन के कठोरपना में छोड़ दिया। और बाइबल कहती है कि उन्हें अपने युक्ति के अनुसार चलने के लिए खुदावन ने छोड़ दिया। आगे, यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि यहाँ पे यदि आया जो हमने इब्रानी 3, यदि मेरे शत्रुओं को दबाऊं, यदि अभी थोड़ी देर पहले हमने शैतान को दबाने वाला गीत गाया है ना, ये सारे मेरे आज संदेश के आज कंफर्मेशन है। अगर शैतान फिर से एक बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम का शैतान, बीमारी का शैतान, आपके फैमिली प्रॉब्लम का शैतान अगर आपके पैरों के नीचे दबाया जाए, इसके लिए आपको क्या करना है, यदि मैं आज से फिर से उसका सुनूं, यदि मैं आज से फिर से उसके मार्गों पे चलूं, तेरे ही मार्गों पर चलूं, तेरी महिमा मैं गाऊं, तेरे ही सामने झुकूं और पीछे ना हटूं, यीशु और पीछे ना हटूं। आज पूरे आवाज में तेरे ही मार्गों पर चलूं, तेरी ही महिमा मैं गाऊं, तेरे ही सामने झुकूं और पीछे ना हटूं, यीशु और पीछे मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, यीशु मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे ना हटूं। आमीन हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कहता है कि अगर यदि तुम अगर मेरा सुनोगे, यदि तुम अगर मेरे मार्गों पे चलोगे, तो क्षण भर में, एक घंटे के बाद नहीं, एक दिन के बाद नहीं, बाइबल कहती क्षण भर में मैं तुम्हारे शत्रुओं को दबाऊं, जैसा हमने गीत में क्या गाया। और आगे कहता है अपना हाथ उनके द्रोहियों के विरुद्ध चलाओ। अगर परमेश्वर अपना पैर आपके समस्या के खिलाफ इस्तेमाल करे, अगर परमेश्वर अपना हाथ तुम्हारी समस्याओं के खिलाफ काम करे, तो मुझे आपको बताना है आज अपने आप को जांचो, क्या मैं मेरे प्रथम भरोसे पर आज भी स्थिर हूं, क्या मेरी बाइबल केवल आज ही खुलती है, क्या मैं आज ही एक मसीह जीवन जीने के जैसा एक घंटे की प्रैक्टिस करता हूं। सॉरी, ऐसे मसीहों के लिए परमेश्वर के पास जगह नहीं है, जिन पर इतनी महादया करते हुए, जिनको लाल समंदर को दो हिस्से में काटकर, जिनको चट्टान से पानी पिलाकर, दिन में मेघ स्तंभ और रात में अग्नि स्तंभ, और परमेश्वर ने मन्ना खिलाया, वे लोगों को एक सर्टन टाइम तक परमेश्वर ने समय दिया, उसने देखा कि ये नहीं सुन रहे, ये हटीले हो गए, कठोर हो गए, बुरे मन वाले हो गए, अविश्वास में चले गए, मेरी हुजूरी से दूर चले गए। खुदावन ने उनको उनके हालात में छोड़ दिया, खुदावन ने उनकी मन की युक्तियों पर उनको छोड़ दिया, जो उनको करना है करने दो। इसीलिए मैं बताना चाहता हूं, यह वचन कहता है कि ये समय हमारे जीवन में ना आए, इसलिए चौकस रहो, सावधान। सावधान करने वाला इशारा ये। और अगर किसी को बार बार अगर ये बात लगती कि बार बार मुझे कहीं ना कहीं ये पिंच किया जा रहा है या कहीं ना कहीं ताना मारा जा रहा है, तो मुझे आपको बता रहे कि आपका आध्यात्मिक जीवन कहीं ना कहीं आज गड़बड़ी में है। अगर ये बात को लेकर मेरे जीवन में अगर मुझे आपको बताना, अगर आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, डॉक्टर नाना प्रकार की टेस्ट करवाने लगाता है, पेशाब की टेस्ट करवाने लगाता है, खून की टेस्ट करवाने लगाता है, थूक की टेस्ट करवाने लगाता है, उसके बाद नतीजा निकलता है कि बाबा इसको सो प्रॉब्लम है। आज टेस्ट ये है कि क्या मैं उसकी प्रथम
भविष्य में रहकर क्या मैं उसकी भागीदारी में आज हूँ। मैं दिखाने के लिए तो बस दुनिया के सामने हूँ, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में मेरा जीवन पूरी तरह से उस यज्ञ की किताब में दिए गए वो सूखी हड्डियों के जैसे तो नहीं, जो हड्डियां है लेकिन काम नहीं कर रही है। और इसी बात को लेकर आज हम और डीप में जाने वाले तो चलेंगे। आज बहुत सारी नेगेटिव बात हमने इसराइलियों के जीवन से देखी, लेकिन आज हम एक ऐसे परिवार के जीवन से देखेंगे। उनके समय में ना तो बाइबल थी, उनके समय में ना तो कोई चर्च था, उनके समय में ना कोई एक ऐसा पावरफुल अगुआ था, ना कोई ऐसे अभिषेक की बातें थी। ऐसे संसार में एक परिवार रह रहा था, लेकिन वो परिवार मुझे बहुत आज बताने के लिए आनंद हो गया। रात को 3 बजे तक महिमा प्रभु को मिले, 3 बजे तक उसी बात पर सुबह से उठने के साथ भी है ना, मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि ये परिवार अस्थिर क्यों नहीं हुआ। कौन होगा वो परिवार कोई बता सकता क्या? पुराने नियम में उनके दिनों में संसार बिगड़ा हुआ था, उनके दिनों में सभी प्रकार की पूरी बातें चल रही थी और उनको मजाक बनाया जा रहा था, उनके ऊपर लोग हंस रहे थे, लेकिन वो अस्थिर नहीं हुए। कौन था परिवार? वो नू का परिवार। मैं आज आपको एक बात बताने जाऊंगा कि आप आने वाले हालात में परिस्थितियों में अस्थिर क्यों नहीं होंगे, उसके पीछे का कारण क्या है। चलो एक वचन आपको पढ़वाऊंगा भाई, जिसकी ट्यूबलाइट सिलगेगी या जलेगी वही बताएंगे कि अस्थिर क्यों नहीं होंगे हम। इब्रानी का 11 अध्याय, ये इब्रानी की किताब में बहुत सारे अद्भुत बातें हमें दिखती है। इब्रानी का 11 अध्याय और वचन 7 से लेके आगे, चलो देखते किसका दिमाग चलता है। ये वचन हिंदी मराठी में दोनों लैंग्वेज में पढ़ेंगे। इब्रानी 11:7, विश्वास ही से नू ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी, उस समय किसी माइकेलाल ने देखी नहीं थी वो बात, लेकिन विश्वास ही जो बात दिखाई नहीं पड़ी उस विषय में चेतावनी पाकर परमेश्वर ने उसको चेतावनी दी थी। अब अगर चेतावनी अगर मुझे आपको बताना है, आप कितने भी कठोर क्यों ना हो, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, अगर आपको कोई व्यक्ति चेतावनी दे रहा है आगे मत जाओ वहां पे पागल है पत्थर मार रहा है, आपके पीछे से आपका कोई अनजान व्यक्ति आ रहा है, आप उसको चेतावनी दोगे कि नहीं दोगे? कोई बताएगा कि आगे उधर मत जाओ, उधर बड़ा सांप है वो काट रहा है, अब आप रुक गए आपके पीछे से कोई आ रहा है तो आपको उसको रुकेगी नहीं? चलो उसके भी बड़ी बात बता दो, रोड पे हम लोग देखते कहीं पर कोई ऑयल गिरता है गाड़ी का, अब ऑयल गिरने के बाद क्या होता है, कोई गाड़ी वाला स्किड होता है, उसको देखकर हम सतर्क होते हैं, और हमारे पीछे से आने वाले को हम सतर्क करते हैं कि उसको बोलते जा जा तू भी गिर जा, चेतावनी देते ही नहीं देते। विश्वास ही से वो चेतावनी नू को प्राप्त होने के बाद बाइबल आगे कहती है भक्ति के साथ अपने घर के बचाव के लिए जहाज बनाया। देखो जो बात देखी उस दिन ऐसा हुआ, ये जहाज भी संसार ने पहली बार देखा था। और ये जहाज क्या होता है ना, ये परमेश्वर ने केवल उसको एक दृश्य स्वरूप में जो उसको बताया था कि ये ऐसा मॉडल होगा, संसार ने भी जहाज पहली बार देखा था। आगे हाँ, और हाँ उसके द्वारा मतलब किसके द्वारा, जो चेतावनी पाई उसके द्वारा, किसके द्वारा, जो जहाज उसने बनाया जो किसी ने देखा नहीं था कि बाबा ये है क्या मॉडल, उसके द्वारा उसने उस समय के संसार को दोषी ठहराया। हमें अब ये दोषी क्यों ठहराया, ये बातें आगे बताऊंगा। मैं मराठी में पढ़ो चलो ये वचन, तो पर्यंत जे पाण्यात आले नव्हते हा त्याविषयी नोहाला सूचना मिळाली आणि आदरयुक्त भैयाने त्याने आपल्या कुटुंबाच्या लाडासाठी विश्वासाने दारू तयार केले।
त्या विश्वासाच्या द्वारे जगाला दोषी ठरविले आणि विश्वासाने प्राप्त होणारे जे नीतिमत्व त्याचा तो वतनदार झाला। आमेन। देखो उसने यहाँ पे संसार को दोषी ठहराया और वो धार्मिकता का वतनदार हो गया। अभी सवाल यह आता, मैंने कहा दोनों वचन इसलिए पढ़ने लगा है मैंने हिंदी मराठी में, अभी नूह के जमाने को अभी इसराइलियों को थोड़ा भूल जाएंगे आप, इसराइलियों का बहुत कोटा हो गया और भी था, लेकिन मैंने उसको पवित्र आत्मा की अगुवाई में जो प्रभु ने लीड किया, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है ना, हमारा ज्ञान भी आता है, दे ये ज्ञान ये तेरे को दिया है, दे मस्त ज्ञान दे, लेकिन ये ज्ञान काम में नहीं आएगा। आज रात से मुझे प्रभु ने ना मुझे सोने दिया ना मुझे चैन से रहने दिया, सोच इस बात पर क्या है ये। और जब मैं सोचते गया, दुआ करते गया, प्रार्थना करते गया, मुझे प्रभु ने सिंपल वे में ये सारी बातें बताई। तो सवाल मैं फिर से आपको करना चाहता हूं, ये वचन पढ़ने के बाद आपने पहला जवाब तो अच्छा दिया नूह का वो परिवार, लेकिन ऐसी कौन सी बात है जिसके वजह से उस संसार में जो संसार उनका मजाक उड़ा रहा था, कैसा मजाक उड़ा रहा था पता है? जब नूह को जिस दिन चेतावनी मिली उस दिन वो पहला दिन होगा, ओके, तब बच्चे छोटे छोटे होंगे, कितने बच्चे थे उसको? 3 बच्चे थे, क्या क्या नाम था? शेम, हाम या फिर बरबर, बच्चे पैदा हो गए थे। बाइबल कहती है उसके बाद उसको ये सब बातें परमेश्वर ने बताई, समझो बच्चे पैदा हो गए उसके बाद ये शुरू हो गया सुसमाचार बताने के लिए। अभी जस्ट इमेजिन करो, अभी आपके बच्चे और मेरे बच्चे के साथ भी मैं बात जोड़ने वाला हूँ, हमारे बच्चों के लिए ये समय, आज मेरा प्रिंस हो या जोएल हो या आपके बच्चे हो, ये समय खतरनाक समय है। इसलिए मैं रात भर बेचैन था, दुआ करते रहा, मैं वॉक भी कर रहा था, मेरे दिमाग में वही फिर रहा था, वो ऐसी कौन सी बात है कि मैं आज कलीसिया को ये बताऊं कि जो आज ये ग्लैमर से, वासना से, नाना प्रकार के अट्रैक्शन डिट्रैक्शन से भरी हुई इस दुनिया में मेरे लोग, मेरे बच्चे, मेरे परिवार अंत तक भागीदारी में, प्रथम भरोसे में दूर कैसे रहे, एक ऐसी चाबी आज। तो मेरा सवाल ये कि ऐसी कौन सी बात है कि जो बात नूह और उसके परिवार को उस संसार में स्थिर रखी या उसको अस्थिर होने नहीं दिया उन परिस्थितियों में। शायद जब नूह छोटे छोटे बच्चे थे तब जाके परेशान करता था, लेकिन समय आया बच्चे बड़े भी हो गए, बच्चों की शादियां भी हो गई, लेकिन नूह जो बात बता रहा था कुछ भी नहीं हो रहा था। शायद लोग हंसते हो गए, बूढ़ा आया गया, आया टाइम पास आ गया, मनोरंजन करने वाला आ गया, देखो अभी ये बताने वाला है, बड़ी घमासान बारिश आने वाली है, परमेश्वर संसार का अंत करने वाले थे, लोग सीटी बजाते होंगे, उसको पत्थर मारते होंगे, और वो उसका ये काम चलता था। लेकिन मैं बताना क्या चाह रहा हूं, इसके बावजूद वो लोग स्थिर क्यों थे? इतनी सारी आज हमको बताया था, ये बटा हुआ है, बाटलेला, अरे तुझे नाव असेल, तुझे आडनाव असेल, तेरा नाम ऐसा, तेरा सरनेम ऐसा, ऐसा कैसे मसीह तू? नूह के जमाने जैसा आज भी ये बातें की जाती है। नूह के जमाने में अनैतिकता, अश्लीलता, पोर्नोग्राफी का जो काम, जो भी एनिमल सेक्स बोलो या समलैंगिक सेक्स बोलो, ये सारी बातें वो जमाने में जो आज के जमाने में चल रही है, लेकिन उन परिस्थितियों में नूह के बच्चों के अपनी अपनी बीवी थी, ना वो दाए गए ना बाए गए। नूह के बच्चे अपना बाप बचपन से जो बात बता रहा है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं तो भी स्टेबल क्यों थे? सोचने वाली बात है ना, मैं रात भर सोच रहा था उसमें क्यों स्टेबल थे। और प्रभु ने बताया कि आज ये बात अगर कलीसिया में से, मेरे सुनने वालों में से अगर कोई इस बात को स्वीकारता है ना, नोहा की ये बातें, नोहा के परिवार की बातों को अगर कोई स्वीकारता है ना, तो आने वाले दिनों में भले दुनिया रस्ते पे नंगा नाच भी करते रहेंगे, तो हमें डरने की बात नहीं, हमारे बच्चे नूह के बच्चों के जैसे अस्थिर नहीं होंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लगता है कौन सी बात है ऐसी कि वो बात स्पेशलिटी उस बात में, जस्ट आप इमेजिन करो ना, 120 साल, अभ्यास कहते 120 साल तक
उसमें से 20 साल समझो बच्चे छोटे थे, लेकिन 100 साल तक अपना बुढ़ाओ बाप रोज प्रचार कर रहा है, रोज बोल रहा है ये पेड़ तोड़ो, इधर से लकड़ी लाओ, उधर से रस्सी बनाओ, जहाज बनाने का भी काम चल रहा है, दूसरी साइड से जाके प्रचार करने का भी काम कर रहा है। आज मेरे बाप पे लोग हंस रहे, आज कोई पासवान का बेटा कहता होगा अरे मेरा बाप बहुत यशु कर रहा है, अरे तेरा बाप बहुत यशु कर रहा है, आज जमाना हंसता होगा। लेकिन नूह के बच्चे उन परिस्थिति में अस्थिर नहीं हुए, क्योंकि उनके पास कुछ था जिसपे वे विश्वास करते थे, मेरा बाप जो कर रहा है गलत नहीं सही कर रहा है। आजकल के बच्चे बाप को तुझे क्या आता है, हमें पता है यार संसार की पॉलिसी क्या है, हमको पैसा कमाना है, हमको बिजनेस करना है, हमको हमारा करियर देखना है, तुम्हारा क्या है, तुम क्या यशु करते। आज कोई पास्टर के मैं मेरे ऊपर से लेता हूं, शायद मेरे बच्चे सोचते रहेंगे, लेकिन अगर मेरे अंदर अगर ये बात है जो बाद में बताना चाहता हूं तो मुझे डरने की कोई बात नहीं। जैसे नूह के बच्चों को शेम, हाम, याफेत को यकीन था, हम बचपन से शायद वो जब छोटे पहले बार जब आवाज सुने रहेंगे तो उसके बाप का वही आवाज सुने रहेंगे, लोगो जाग जाओ, पश्चाताप करो, परमेश्वर का न्याय आने वाला है। उन्होंने जब से सुनना शुरू किया न्याय को ही सुना होगा, लेकिन उसके बावजूद 100 साल आगे के पकड़ो तब भी वो स्टेबल क्यों थे। ऐसी कौन सी बात थी जो नूह के अंदर थी और वही बात उसके बच्चों के अंदर आई, जिसके वजह से उस जमाने का जो संसार, जिसकी तुलना अगर आज के संसार के साथ अगर करते तो सेम एक ही प्रकार है, सिर्फ थोड़ा सा उस जमाने में कोई डिजिटल वर्ल्ड नहीं होगा, उस जमाने कोई नेटवर्क का कोई ये नहीं होगा या कोई कैमरे या कोई नहीं होगा, लेकिन ये सारी बातें खुलेआम चल रही थी, क्योंकि यीशु मसीह के आने के चिन्हों में जो बात बताई गई है नूह के जमाने की बात बताई गई है। क्या बताई गई है कि परमेश्वर के पुत्र का आने का समय वो होगा जब नूह के जमाने में लोग खा रहे थे, पी रहे थे, शादियां कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, आज क्या चल रहा है, आज भी वही चल रहा है। तो इन दिनों में कभी कभी मैं सोचता हूं कि ये सब ग्लैमरस की दुनिया है। मोबाइल के ऊपर अगर आप राजू ठाकुर का भी प्रचार देखते होंगे यूट्यूब के ऊपर, सडनली आपको कुछ तो भी गंदा सेक्स का वीडियो आ सकता है, लेकिन उस समय टच, एक टच काफी है, सब कुछ खुल जाएगा। लेकिन उस समय अगर वो व्यक्ति के अंदर जो बात मैं आज बताना चाहता हूं अगर वो है तो वो कभी टच नहीं करेगा। कौन सी बात है ऐसी बताओ, परमेश्वर पे विश्वास था और हाँ शिल्पा ने जवाब दिया, लेकिन थोड़ा हल्का जवाब था। पढ़ो वचन मार्गवाटी में तब समझेगा आपको कौन सा। शिल्पा ने जवाब दिया तो, इसलिए ना मैं बताता हूँ हमेशा कि सीरियसली लो वचन को। हमारे पास नॉलेज बुद्धि में बहुत है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में वो ना रहने की वजह से हम लड़खड़ाते हैं। पढ़ो मराठी में। तो परंतु जब पानत आले नव्हते, हाँ, त्या विषय नोहाला सूचना मिळाली, हाँ, आणि आदरयुक्त भैयाने, आदरयुक्त भैयाने त्याने आपल्या कुटुंबाच्या कार्यासाठी, कौन सा भय, आदरयुक्त, ये है चाबी। आने वाले संसार में लोग नंगे भी घूमते रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर के महान दास बिशप डॉक्टर अमोद सिंह की भविष्यवाणियां जो उन्होंने 10 साल पहले की थी उसके नमूने आज हम रस्ते पर देख रहे हैं। उन्होंने कहा था कि जो समंदर किनारे आप छोटी छोटी कपड़े पहनकर चड्डी बनियान पे लोग घूमते थे, स्त्री या पुरुष, जो समंदर के किनारे कुछ दिनों के बाद आप सड़कों पे देखोगे, 10 साल पहले उस सेवक ने बताया, आज हम हमारी आंखों से देख रहे वो ये हो रहा है। और इन परिस्थितियों में अगर मैं हूं, मेरे बच्चे हो, मेरी कलिसिया हो, मेरे रिश्तेदार हो, अगर इन परिस्थितियों में अगर वो अस्थिर ना हो तो उसके लिए जरूरी है आदरयुक्त भय। इंग्लिश बाइबल में भी एक्चुअली हिंदी में उसका भाषांतर थोड़ा सा गड़बड़ी आ गया, हिंदी में दिया है भक्ति के साथ, लेकिन प्रॉपर भाषांतर अगर पढ़ेंगे, बाय फेथ नोहा बीइंग Warned by conquering events as yet unseen in reverent fear. Reverent fear. आदर युक्त भय। अभी आपके पास परमेश्वर का भय है या आदर युक्त भय है? हाँ परमेश्वर का भय है ना, क्या भय है? परमेश्वर को यह अच्छा लगता नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल में क्या है?
परमेश्वर का भय शायद लोगों के अंदर आपको कंट्रोल में रखेगा। गौर से सुनो मेरी बात, परमेश्वर का भय आपको कलीसिया में बहुत अच्छा जीवन जीने के लिए दिखाएगा, लेकिन आदर युक्त भय आपको अकेले में या हर एक समस्याओं में परमेश्वर में बना रखेगा। रेवरेंट फियर या ओनली फियर, आदर युक्त भय। अब यह आदर युक्त भय बाप में था इसलिए शेम में आया, हाम में आया, याफेत में आया, उनकी पत्नियों में आया, इवन नूह की भी, भले पत्नियों के नाम नहीं वहां पे। मैं सोचता रात को, प्रभु इनके नाम क्यों नहीं दिया तूने? नूह की पत्नी का नाम नहीं, शेम की पत्नी का नाम नहीं, हाम की पत्नी का नाम नहीं, याफेत की पत्नी का नाम नहीं, इनका नाम क्यों नहीं दिया? प्रभु ने कहा नाम में कुछ नहीं है, काम में सब कुछ है। हालेलुया। ये तो नाम होता था, नाम बोलते थे, नूह की पत्नी फॉर एग्जाम्पल रिबेका, लेकिन नाम नहीं दिया गया। बाइबल में ऐसी कुछ स्त्रियों के नाम नहीं दिया, लूट की पत्नी का नाम नहीं दिया। क्यों नहीं नाम दिया? तो बार बार वो नाम भी अगर कोई रखता है, अरे लूट की पत्नी है ना, लेकिन उन पत्नियों का नाम नहीं है। लेकिन उन पत्नियों के बारे में जब मैं देखता हूं कि उन परिस्थितियों में उन पत्नी ने आने वाली जो बहू थी ना, उस बहू का भी मुझे बहुत सम्मान करना है। क्या बहुएं थी? उन्होंने ये नहीं कहा अरे क्या बुढ़ाओ सतिया गया है, बचपन से उनको सुना रहा है, अब मेरा आदमी भी उसके पीछे जब है वही सुन रहा है, सास भी वही कर रही। बहुओं ने भी विश्वास किया, इसलिए बाइबल कहती है पत्रस की किताब में, संसार में उस समय में 8 प्राणी बचाए गए। प्राणी शब्द लिया है वहां पे, कितने प्राणी? 8 प्राणी बचाए गए, सारे खत्म हुए। क्यों बचाए गए? क्योंकि जो आदर युक्त भय, जो रेवरेंट फियर नूह के अंदर था, उसी बात को उसकी पत्नी ने कॉपी किया, और इन दोनों ने अपने बच्चों के ऊपर जो रखा, बच्चों ने अपनी पत्नियों पे आया। आज उल्टा हो रहा है, पत्नियों का भय पतियों में ज्यादा आ रहा है संसार में। हालात तो इसी संसार की, लेकिन नूह का परिवार, मैं फिर से कहता हूँ, ऑनलाइन में देखने वाले हो या ये संदेश यूट्यूब पे अपलोड करने वाले, मैं किसी को ताने मारने के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। इन संसार में जो अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहेगा, वही व्यक्ति मसीह का भागीदार होगा, फिर वो जिंदा हो या मुर्दा हो, उसको डरने की कोई बात नहीं, वो मसीह के साथ उठाया जाएगा। लेकिन उसके लिए जरूरी कौन सी बात है? भले हमारा लाइफ स्टाइल साधारण होगा, भले हमारा पगार, हमारा सैलरी, हमारा बिजनेस साधारण होगा, भले हम किराए के घर में रहने वाले क्यों ना हो, लेकिन हमारे अंदर फियर ऑफ गॉड जो चाहिए वो रेवरेंट चाहिए, आदरणीय। शायद आज के डेट में बच्चे माँ बाप को देखकर, दूसरों के माँ बाप को देखकर, अरे उनका कैसा है, दूसरों के बच्चों का देखकर, अरे वो लोग कैसे है, उनका इनकम कितना है, मेरा बाप मर रहा है 10,000 भी नहीं कमा रहे, लेकिन लोग 70-80,000 उड़ा रहे। ये एक सवाल कभी नहीं आएगा बच्चों के अंदर, जब उन बच्चों के अंदर आदर युक्त भय रहेगा। नूह के बच्चों ने कभी बाप को ये नहीं कहा, मैं सोचता था जस्ट रात को मैं ऐसा ही, जब मैं सोच रहा था मुझे ऐसा ही ख्वाब गिरा। नूह के बच्चे, आप बोलेंगे बहुत ही धार्मिकता की बात कर रहे, लेकिन जो ख्वाब देखा मैंने, वो ख्वाब ऐसा था, 3 युवक बैठे हुए और एक बूढ़ा बाप घर में आ रहा है, अपनी लाठी को रख रहा है, सैंडल्स को निकाल रहा है, उसको पानी दिया जा रहा है, और तीनों में से कहते हैं पापा आज किसने विश्वास किया क्या? एक रियलिटी बेस पे बता रहा हूं मैं। तब नूह कहता है नहीं बेटा, लेकिन हमको खुदा का काम करना है। सोचो कुछ बड़े ज्ञानी लोगों ने, मेरा बहुत बड़ा बहस हुआ था एक व्यक्ति के साथ, वो कहता है नूह एक नाकामयाब प्रचारक है, फेल्यूर टीचर। मैं उसको बोला अरे बाबा वो फेलियर है इसलिए आज हम है, वो नहीं है तो हम कह रहे थे, क्योंकि नूह के बाद ही संसार आगे बढ़ा था। कभी कभी ज्यादा ज्ञान भी इंसान को बहुत ही पागल बना देता है। ऐसे हालात से जब वो गुजर रहे थे, मुझे बहुत मतलब आनंद हुआ कि जब मैं इन बातों को बहुत बार प्रचार कर चुका हूं, लेकिन फिर से वही बातें सामने आ गई कि आज जिस संसार में हम जी रहे, जहां पे खाने पीने की बातों को, पहले शादियों में जाते थे तो एक स्वीट होता था, दाल राइस चपाती रोटी जो भी सब्जी होती थी, लेकिन आज खाने के भी यीशु मसीह ने कहा कि अंतिम समय के चिन्ह हुए होंगे, अंतिम समय में लोग बहुत खवैये खाने वाले होंगे, फूडीज। ये खाओ क्या, पिज्जा खाओ क्या, बर्गर खाओ क्या, और अभी तो स्टाइल हो गया पिज्जा बर्गर नहीं खाता है तो इसको कुछ पता ही नहीं है, गर्लफ्रेंड नहीं रखता है तो ये लड़का ही नहीं है,
ये स्टाइल हो गई दुनिया की। ये नूह के जमाने में भी चल रहा था, नूह के समय में भी था, लेकिन नूह के बच्चों पर या नूह के परिवार पर इन सब बातों का इन्फेक्शन या इन्फ्लुएंस नहीं आया। क्यों नहीं आया? आदर युक्त भय। क्या मेरे अंदर आदर युक्त भय है या केवल भय? अभी भय के भी दो प्रकार है। अगर मेरे बच्चे, मैं जब तक सामने हूं ना बहुत अच्छा एक्टिंग कर गया, एग्जाम्पल दे रहा हूं, लेकिन मैं हट जाऊं तो अपनी ओरिजिनल थॉट्स में आ जाएंगे या ओरिजिनल तरीके में आ जाएंगे, तो ये केवल भय हो गया। लेकिन एक आदरणीय भय क्या है पता है? मेरा बाप घर में हो या ना हो, लेकिन ये मेरे बाप का घर है, मेरे बाप को ये पसंद नहीं है, ये मैं नहीं करूंगा, इसे कहा जाता है आदर युक्त भय। मैं चर्च में कलीसिया में हूं, मुझे को मैं सबको मैं अकेले में जब हूं ना, तब मेरा बाप मुझे देख रहा है, मैं क्या देख रहा हूं, मैं क्या सोच रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं किसकी संगति में हूं, मैं कौन सी बातों में हूं, ये बात मुझे एहसास होना चाहिए। अगर इस बात का एहसास मुझे नहीं है ना, तो मेरे अंदर केवल फियर है, नॉट रेवरेंट फियर, मेरे अंदर केवल भय है, ना आदरणीय भय। नूह के बच्चों ने नूह को सवाल नहीं किया, तू इतने बचपन से हम तेरी बात सुन ले, बचपन से तू कहेगा ये लकड़ी तोड़ कर लाओ, ये डामर लेकर आ, इधर से रस्सी लेके आ, बचपन से यही कर रहे हम लोग, कब आने वाला बारिश? अरे लोग तेरा मजाक उड़ा रहे, शायद नूह के बच्चों में से शायद वो हम को गुस्सा आता होगा, मेरे बाप को ये चिढ़ा रहे लोग, गुस्सा दे रहे या मजाक उड़ा रहे, लेकिन उस वक्त उन्होंने सब बातों में कंट्रोल रखा। क्यों कंट्रोल रखा? क्योंकि उनको पता है मेरे बाप के बारे में उत्पत्ति के किताब सातवें अध्याय वचन एक में तीन बातें लिखी गई है, मेरा बाप उस संसार का धर्मी व्यक्ति है, मेरा बाप उस संसार का खराई से चलने वाला व्यक्ति है, मेरा बाप उस संसार का परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति है। तीन पहचान है नूह की उत्पत्ति 7:1 में, धर्मी व्यक्ति, सच्चा व्यक्ति और खुदा के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति। अब सवाल यह भी आता है, नूह ने इतने साल तक प्रचार किया ही क्यों? नूह बोलता है 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, कुछ नहीं हो रहा है, नूह ने प्रचार किया क्यों? उसके पीछे क्या लगता है आपको? नूह ने कैसे विश्वास किया कि नहीं ऐसा होने वाला है? क्योंकि लिखा गया ऐसा है, जो देखा नहीं गया उसके बारे में चेतावनी दी गई, आज्ञा नहीं दी है, चेतावनी। चेतावनी मतलब अबे तू नहीं करेगा तो तू भी डूबेगा। वार्निंग क्यों दी गई है? हिदायत दी गई है, उर्दू शब्द में हिदायत। हिदायत इसलिए दी जाती है, अगर तू संभलेगा नहीं तो उनके साथ तू भी बर्बाद होगा। बाप बेटे को कहता है अगर उसकी संगत छोड़ेगा नहीं ना तो उसके जैसे तेरा भी हो जाएगा। बोलता है कि नहीं बोलता है? नूह ने यह चेतावनी को इतना सीरियसली क्यों लिया होगा? क्या लगता है आपको? आज बहुत सवाल आ गया, बोलते रहेंगे बाइबल पढ़नी चाहिए अगर हमको भी अच्छे से। क्या लगता है नूह ने ये चेतावनी को इतना सीरियसली क्यों लिया? जो देखा नहीं गया, अरे दिखने वाली बात होगी तो इंसान सीरियसली लेगा ना। आग देखी हुई लोगों ने, समंदर देखा होगा लोगों ने, हवाएं दी, हवाओं का अनुभव लिया होगा, तूफानों का, लेकिन ऐसी बात परमेश्वर बोल रहे कि जो देखा ही नहीं गया है ना। बच्चे को एक बार माँ कही थी उस किचन के पास, जब नीचे खाना बनाते थे बच्चा ऐसा रिंगते रिंगते आता था, माँ कहती थी हट जा, लेकिन हमेशा उस आग की तरह एक्टिवेट होता था। लेकिन जिस दिन उसको छोटा सा मिल जाता है उस आग का प्रसाद, तब वो दूर से कहता है हा, क्योंकि वो देखा गया इसलिए चेतावनी को एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन नूह ने जो देखा ही नहीं उस चेतावनी पर विश्वास कैसे किया? क्या लगता है कौन सा कारण होगा उसके पीछे? आदर युक्त भाई तो ये बात तो हमने अभी देखी है, लेकिन एक ऐसी बात और बताना चाहता हूं, उसके लिए आपको यहूदा की किताब में जाना पड़ेगा। यहूदा की किताब का उसको कुछ 10-12 अध्याय नहीं है, एक ही अध्याय है। और यहूदा का किताब पुराने नियम में नहीं है, नए नियम में है। दूसरे यूहन्ना के बाद यहूदा का किताब आता है, उसका पहला अध्याय और वचन 14 से आगे क्या कहता है देखो। नूह ने 120 साल काम किया था, लेकिन हनोक ने ये 300 साल काम किया था।
हनोक ने भी जो आदम से सातवीं पीढ़ी में था, मराठी मध्ये दिला सातवा पुरुष, आदम से सातवीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की। हाँ, इनके विषय में मतलब कुछ लोगों के विषय में। हाँ, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे। हनोक ने जो उस जमाने में दर्शन देखा ना, दर्शन कौन सा दिखा पैसा पता है उसने? यीशु मसीह न्याय के लिए आने वाला, बादल पे हमको उठा के जाना, वो नहीं, संसार के न्याय के बारे में उसने दर्शन देखा है हनोक ने। इसीलिए जो दो गवाह आने वाले हैं, उन दो गवाहों में हनोक और दूसरा इलिया ही होगा। हाँ, और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं आज मसीहत में जो पहले भक्तिमान हुआ करते थे, जो मसीह के पीछे चलते थे, जो भक्तिमान थे, वो आज भक्तिहीन हो गए। और वो भक्तिहीन होने का यही कारण है कि वो अपने प्रथम भरोसे को खो दिए। आगे, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है, हाँ, दोषी ठहराया। ये तो असंतुष्ट कुड़कुड़ाने वाले और अपनी अभिलाषाओं के अपनी मनमानी से चलने वाले हैं। हाँ, और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं और वे लाभ के लिए मुंह देके बड़ाई किया करते हैं। चापलूसी करने वाले पांच कैटेगरी के लोग है। वास्तविक बाइबल में, उत्पत्ति के किताब में हनोक की सेवकाई के बारे में कुछ नहीं बताया। हनोक 300 साल प्रभु के साथ चला, मतलब किया क्या उसने? नू के बारे में उत्पत्ति 7 में दिया है कि वो एक धर्मी था, एक खरा व्यक्ति था, और वो परमेश्वर के साथ चलता था। परमेश्वर के साथ चलना मतलब क्या? और ये बात हनोक के अंदर थी, जो आदम से लेकर सातवीं पीढ़ी का पुरुष था, और हनोक के बाद दसवीं पीढ़ी में नूह आता है। हनोक के बाद मथुशला आता है, मथुशला के बाद लेमेक आता है, लेमेक के बाद नूह आता है। अब निश्चय नूह को लेमेक ने बताया होगा, तेरा दादा हनोक 300 साल प्रभु के पीछे चल रहा था, लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, वो पांच कैटेगरी के लोगों के पास गया, जो पांच कैटेगरी के लोग आज हमारे पास भी है, उसमें से पहली कैटेगरी के लोग है असंतुष्ट। आज परिवार में असंतुष्ट लोग दिखते हैं, कोई बात में संतुष्टि नहीं है, पति के उतने सैलरी में संतुष्टि नहीं है, जो घर दिया उसमें संतुष्टि नहीं है, जो परिस्थिति उसमें संतुष्टि नहीं है, सबको बड़ा बड़ा चाहिए। आज जिस संसार में हम चल रहे, ग्लैमरस की दुनिया है, जिनको दुनिया की दुनियादारी की बातें चाहिए, फिर वो कैसी भी मिले। कोई अपने पति के साथ ईमानदार नहीं है, इसलिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए वो दूसरी स्त्री के पास जा रहा है। कोई अपनी पत्नी के साथ संतुष्ट नहीं है, इसलिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के साथ दूसरे पति स्त्री के पास जा रहा है, या पत्नी है तो पुरुष के पास जा रही है। असंतुष्ट समाज हमारे आसपास है। हनोक 300 साल, नूह ने 120 साल किया है। नूह के अंदर ये हियाव क्यों आया पता बोले क्या? नूह को पता है, अरे वो तो 300 साल चल रहा था, लेकिन उसको पता है यही काम करते करते खुदा उसको लेके गया, मैं भी ऐसे ही जाऊंगा। उसके अंदर ये बात क्यों आई? उसके अंदर संसार की बात नहीं थी, वो जब बात करता होगा उसके पीछे एक एक्सपीरियंस था, अरे मेरा दादा हनोक बोल रहे थे, यही लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसने 300 साल सेन किया, मैं 10 साल नहीं करूंगा। और ऐसे 10 का 20 साल, 20 का 40 साल, 60 साल, 80 साल, 100 साल, 120 साल तक उसको कुछ भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि उसके पास एक तगड़ा एक्सपीरियंस था। हनोक 300 साल प्रभु के साथ चला, मतलब क्या करता था? वो असंतुष्ट लोगों को जाके खुदा के आने वाले न्याय के बारे में बताता था, वो कुड़कुड़ाने वाले लोगों को जाके बताता,
टुकड़ों में परिस्थितियों में खुदा का धन्यवाद दो। तीसरी बात यह है, जहाँ पे अपनी अभिलाषा से अपनी मनमानी से जो लोग चल रहे थे उनको भी जाके ये बात बता रहा था। चौथा ग्रुप है जो मुंह की घमंड की बात करते थे, अपनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, उनको भी ये बात बता था। कुछ लोग ढोंगी लोग थे जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए चापलूसी करने वाले, मुंह देखी बात अपने लाभ के लिए बढ़ाई के बोलते थे। ऐसे पांच कैटेगरी के लोग हमारे आसपास है क्या? नहीं नहीं है फिर हम किसके जमाने में है? हम नूह के जमाने में है, इवन हम हनोक के जमाने में भी है। तो इस जमाने में जरूरी क्या है? कौन स्थिर रहा? हनोक क्यों स्थिर रहा? हनोक के बारे में इतना लिखा नहीं है पुराना नियम में, केवल एक ही सेंटेंस दिया है, हनोक 300 साल का हुआ, उसको 300 साल वो प्रभु के साथ चला, 365 उसकी उम्र थी, प्रभु उसको लेके गया, उसके बाद फिनिश। लेकिन नए नियम में रेवलेशन मिला तो भी किसको मिला पता है? बोलो, ये यहूदा को नहीं है, ये यहूदा इस्कुरियस नहीं है, ये यहूदा प्रभु का भाई है। अब ये प्रभु का भाई प्रभु के खिलाफ था कितने साल तक, लेकिन यही यहूदा पुनरुत्थान के बाद उसे उद्धार का अनुभव आया। अब उस उद्धार के अनुभव के बाद पेंटिकॉस्ट के अभिषेक में जब भर गया तब परमेश्वर ने किसी को नहीं, ना पौलुस को ना पत्रस को, तो ये बातें हनोक का सीक्रेट यहूदा को बताया जो हजारों साल से दफन था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों बताया? परमेश्वर वो बातें उस व्यक्ति को बताता है जो उसके अनुसार चलता है। आमीन। अभी ये सचिन क्राइव बोल के जो यूट्यूब पे जो प्रचारक है उन्होंने हनोक की किताबों के बारे में बताया, लेकिन हनोक की किताबें जो लिखी गई थी उसको बाइबल में समाविष्ट नहीं किया गया, क्योंकि उस वक्त जब बाइबल जोड़ी गई थी पवित्र आत्मा से भरे हुए लोगों को, पवित्र आत्मा ने जो अगुवाई की उन्हीं 66 किताबों को मान्यता दी गई, ना कि हनोक की किताबों या किंग सोलोमन के कुछ किताब थे या बारूक बोल के व्यक्ति था उसका किताब था जो आपको कैथोलिक बाइबल में दिखेगा। इन बातों को महत्व नहीं दिया गया। जो प्रॉम्प्ट है या जो भी जेन्यून है उन किताबों को बाइबल में जोड़ा गया जो आत्मा से भरे हुए जो प्राचीन कलीसिया के लोग थे। आमीन, हालेलुया। तो ये 300 साल हनोक ऐसे लोगों को जाके बता रहा था, लेकिन वो लोग बदले नहीं। उसके बाद उसका पुत्र मथूशलह, उसके बाद लामेक, और लामेक को जब नू पैदा हुआ ना, तो नू पैदा होने के बाद क्या लिखा है जब पढ़ेंगे क्या हम, जब ढूंढो आप भी, जब मैं बताने से पहले लामेक जब पैदा हुआ, लामेक ने जब नू पैदा हुआ तो क्या लिखा है? पांचवा अध्याय 29 वचन, उत्पत्ति 5:29, 28 से बोला, 28:29, उत्पत्ति 5:28:29। जब लेमेक 182 वर्ष का हुआ तब उसे एक पुत्र का जन्म हुआ, उसने वह कहकर उसका नाम नूह रखा। हाँ, यहोवा ने जो पृथ्वी को शाप दिया है, जो पृथ्वी को शाप दिया है, कब दिया है शाप? जब आदम को अदन की वाटिका से बाहर निकाल रहा था उसी वक्त उसने पृथ्वी को शाप दिया था। हाँ, आगे, उसके विषय यह लड़का हमारे काम में, उसके विषय मतलब जो शाप पृथ्वी पर आया है उसके विषय में यह लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में, हाँ, जो हम करते हैं, जो कठिन परिश्रम में लामेक को जाना पड़ा या मथूशलह को जाना पड़ा, हमको शांति देगा। आगे, नूह के जन्म के पश्चात, हाँ, लामेक 595 वर्ष जीवित रहा। क्या लिखा है ये? नूह के जन्म के बाद, जन्म के पश्चात लामेक 595 वर्ष जीवित रहा। बराबर, नूह के जन्म, और नू 500 साल का हुआ तब उसको बेटा हुआ। मतलब नू जो सेवकाई कर रहा था, जो लोगों को प्रचार कर रहा था, ये उसका बाप भी देख रहा था, लेकिन उसका बाप तब तक सो गया। बताने का मकसद क्या है इसके पीछे का? नू का जन्म हुआ ना,
तब ये लोग भी इतने परेशान थे और उन्होंने कहा ये बच्चा है जो पृथ्वी पर जो शाप आया है, जो अनैतिकता जो बढ़ रही है, जो अश्लीलता बढ़ रही है, जो लोगों के अंदर जो घृणित काम हो रहे, इससे छुटकारा दे, इससे छुटकारा देगा, नू शांति देने का काम करेगा। उसके जन्म के वक्त ही ये बात बताई गई थी। ये क्यों बताई गई पता? क्योंकि उनका मतलब लेमेक का दादा हनोक था। वो लेमेक ने सुना मेरा दादा हनोक 300 साल अपना गला फाड़ फाड़ कर बता रहा था, लेकिन लोग बदलने रहे थे। फिर ये जो मथुशल है ये नू का दादा है, उसने उसको बताया होगा अरे ऐसा काम हो रहा था, लेकिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब नू की बारी आई, परमेश्वर ने जब नू के साथ बातचीत की, तब नू निकल पड़ा। और उसके पीछे का कारण परमेश्वर का आदर युक्त भय। लोग केवल इंफॉर्मेशन, नू के जमाने में यह था, अरे नू का जमाना नहीं, अभी नू का जमाना अभी आया है, क्योंकि मसीह का जमाना आने वाला है। अब इस परिस्थिति में आज माँ बाप कहते बच्चे नहीं सुनते, स्पेशली कुछ पास्टर कहते तो मुझे बहुत खराब लगता है कि क्या इन्होंने जो चुनाव किया सेवकाई के लिए, क्या उन पास्टर के बच्चों को मुझे बताना है? आपके माँ बाप भी दुनिया की तरीके से धन कमा सकते हैं, ऐशो आराम दे सकते हैं, आपको एटीएम कार्ड दे सकते हैं, आपको लग्जरी लाइफ दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन की कुछ ना कुछ कुर्बानी देकर, अपनी इच्छाओं को मार कर तुम्हें एक अच्छी राह पर और समाज को एक अच्छी राह पे लाने के लिए जो कुर्बानी दी है, इसका मतलब वो साधारण या आपकी नजरों में निकृष्ट नहीं है। उनका उसके पीछे परमेश्वर का मकसद पूरा करने का यह उद्देश्य है और इसी उद्देश्य से वो चल रहे। अब मेरी रात से प्रार्थना बदल गई, मैं प्रभु से मांग रहा हूं प्रभु भले घर अच्छा मिले या ना मिले, खाने को अच्छा मिले या ना मिले, लेकिन मुझे मेरे परिवार को और मेरी संगति को आदरणीय परमेश्वर का भय मिले। अगर ये है तो यही आदरणीय परमेश्वर का भय, रेवरेंट फियर, परमेश्वर के रिवेंज से छुटकारा देगा। रिवेंज मतलब बदला। अगर उसके बदले से छुटना है तो उसका रेवरेंट फियर होना चाहिए। कभी कभी हम इंसान भूल जाते, हम इंसान को ब्लॉक कर सकते, हम इंसान को अनदेखा कर सकते, हम शायद ऐसे कुछ अकाउंट बना सकते कि जो हमारे पहचान वाले नहीं देख सकते, लेकिन उसको मोतियाबिंदु नहीं हुआ है, या उसको कोई सिस्टर विजय का जैसा चश्मा नहीं लगा है, वो सारी बातें क्लियर देखता है। बाइबल कहता है मनुष्य तो जुबान से विचार करता है लेकिन परमेश्वर हृदय को तोलता है। मैं इस हृदय में कौन सी बात की सोच रख रहा हूं ना, ये भी वो देख रहा है। आदरणीय भय रखने वालों के बारे में, और इस बात में आगे जाएंगे हम अगले एपिसोड में, लेकिन आखिरी एक वचन पढ़ेंगे मलाखी का तीसरा अध्याय और वचन 16 क्या कहता है देखो, मलाखी 3:16 पुराने नियम का आखिरी किताब। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। बस यहोवा किसकी सुनता है? जो परमेश्वर का भय। मेरा ये बहुत फेवरेट टॉपिक है, लेकिन ये आदर युक्त भय के बारे में परमेश्वर ने कल कुछ उजाला डाला। इस आदर भय के बारे में जब मैं स्टडी कर रहा था, मैंने नीति वचन का किताब मैं 6 महीना रेगुलर स्टडी करता था, और इतना मुझे उसमें परमेश्वर ने ब्लेस किया। नीति वचन में 31 अध्याय 915 वचन है, लेकिन ओवरऑल इन 915 वचन में 17 वचन ही परमेश्वर के भय के ऊपर राजा सुलेमान ने लिखा है। 915 में केवल 17 ही वचन है, और उसका नीति वचन 14, 26, 27 में अगर पढ़ेंगे तो वहां पे दिया है परमेश्वर का भय मृत्यु पास से छुटकारा देता है, परमेश्वर का भय जीवन का सोता है। जिसने लिखा है वो उस भय में नहीं रह सका जिसका अंत बुरा हुआ। ऐसा ना हो कि मुझे बहुत पता है, मैंने बहुत सुना है, लेकिन मैं उस आदम युक्त भय को लेकर ना चले। इसलिए हे भाइयों चौकस रहो, तुम में से कोई बुरे मन वाला
अविश्वास वाला परमेश्वर से दूर जाकर कठोर मन वाला ना बने, ताकि हम परमेश्वर के भागीदारी से निकलकर हम उस क्रोध का सामना कर सके। अद्भुत बातें उसने लिखी। मैं बहुत महीनों तक सोच रहा था, 915 वचन में 17 वचन भय के ऊपर शुरुआत करता है। परमेश्वर का भय ज्ञान का प्रारंभ है, लेकिन वही ज्ञान लेकर वो 300 रानी और 700 पटरानियों के साथ अपने जीवन को बर्बाद कर चुका। जिसने एक बार नहीं दो बार परमेश्वर का दर्शन पाया, जिसने यहोवा का भवन बनाया, ऐसी हुजूरी लेकर आए कि याजक रुक नहीं सके, लेकिन वो उस आदर युक्त भय में ना रह सका। इसलिए इज़राइल का राजा यहूदा का राजा अलग अलग हो गए। ऐसा तो नहीं मेरे अंदर ऐसा कोई, मेरा भाई हमेशा बोलता है आपका मैसेज इसी बात पे क्यों घूम रहा है, कुछ अलग टीचिंग क्यों नहीं देते हो, कुछ अलग बातें क्यों। मैं उसको उस दिन वही बात बताया कि मुझे लोगों को खुश करने की सेवकाई फिलहाल प्रभु ने दी नहीं है। रेवलेशन बहुत जबरदस्त इन लॉकडाउन के दरमियान प्रार्थना में मिले, लेकिन मुझे प्रभु अगुवाई नहीं कर रहे कि ये रेवलेशन बता। ये रेवलेशन केवल बुद्धि को बढ़ा रहा है, लेकिन ये मार्गदर्शन अगर आप लोगे तो आपके जीवन में आदर युक्त भय आएगा, जो आपको प्रथम भरोसे से अस्थिर होने नहीं देगा, तो आपको स्थिर रखेगा। अब यही स्थिरता आपको मसीह की भागीदारी बनाए रखेगा, अब यही भागीदारी उसके साथ जाने का कारण बनेगा। तो क्या चाहिए? रेवलेशन चाहिए? कुछ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले मैसेज चाहिए? क्या जीवन देने वाला या जीवन बदलने वाला संदेश चाहिए? मैंने बहुत कुछ किया इस बातों पर, लेकिन प्रभु जी इन दिनों में जो अगुवाई कर रहा है वो बातें मैं बोलते जा रहा हूं। जैसे पौलुस के को कहता था, बोलते जा रुक मत। पौलुस की कुछ बातें शुरुआत में बहुत ही मीठी थी, लेकिन बाद में इतनी कड़वाहट से वो चलते गया। लेकिन वही बातें आज अगर हम स्वीकारते तो हमारे जीवन में हम बदलाव लाते। क्या मेरे अंदर अगर वो आदर युक्त भय आज मुझ में नहीं है तो मेरे बच्चे वो कॉपी नहीं कर सकते। अगर मेरे बच्चे कॉपी नहीं कर सकते, आज मुझे आपको बताना है वो आदर युक्त भय जो सातवां पुरुष हनोक में था, इसलिए आठवां पुरुष मतुशल में आया, इसलिए नौवां पुरुष लेमेक में आया, इसलिए दसवां पुरुष एक्टिवेट हो गया, इसका नाम नूह है। हनोक में जो था वो मतुशल में आया, मतुशल में जो था वो लेमेक में आया, लेमेक में जो था वो नूह में आया, और नूह में जो था वो शेम हाम और याफेत में आया। शेम हाम याफेत में जो था वो उनके बीवियों के अंदर आया, जो नूह के अंदर था वो उसके बीवी के अंदर आया। अगर मेरी बीवी परमेश्वर के साथ चले तो उसके लिए पति का कर्तव्य है कि वो खुद आदरणीय भय में आए। भय नहीं चाहिए, आदर युक्त भय चाहिए। भय क्या करता है? प्रिकॉशंस लेता है। कैसे प्रिकॉशन लेता है? आजकल की दुनिया में अभी तो मास्क लगाने के बाद समझता नहीं पहचान, कुछ लोग तो इतने शातिर है मैं मास्क लगाने के बाद भी पहचानते। उसके पहले स्कार्फ लगाया जाता था, प्रिकॉशंस। प्रिकॉशन किस लिए? पोल्यूशन और क्लाइमेट के लिए, धूप के लिए। लेकिन वो प्रिकॉशन कुछ लोग इसलिए लेते हैं ताकि मेरे रिश्ते नाते मुझे देख ना सके और मैं मेरे बॉयफ्रेंड या मेरे गर्लफ्रेंड के साथ आराम से चला जाऊं। ये भय है, लेकिन आदर युक्त भय क्या है पता है? मेरे उस बाप को और मेरे इस बाप को ये बात अच्छी लगती नहीं, इसलिए मैं उस क्षेत्र में कदम नहीं रखूंगा। हालेलुया। आदर युक्त भय क्या है? मैं कहीं पर भी हूं मुझे मेरा बाप देख रहा है। भय क्या है? चर्च में ही है। आप इंसान को ब्लॉक कर सकते हो, फिर से बताना चाहता हूं, स्टेटस पे ब्लॉक कर सकते हो, अकाउंट पे ब्लॉक कर सकते हो, आप आपके कांटेक्ट में ब्लॉक कर सकते हो, लेकिन इस कायनात में ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि जो उसकी नजर को ब्लॉक कर सके। तो क्या चाहिए इन दिनों में? मुझे पता नहीं आपको किधर तक इस मैसेज ने छुआ है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं तो मुझे अंदर से इतना छू रहा है। और मेरी तमन्ना ये की है कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, वही आदर युक्त भय चाहिए, कि जैसे बाइबल कहती है कि उस जमाने में उसने चेतावनी पाकर जो देखा नहीं गया उसने आदर युक्त भय के साथ, हिंदी में दिया है
भक्ति के साथ उसने जहाज को बनाया और अपने परिवार के उद्धार के लिए उसने विश्वास के द्वारा उसने ये किया। और उसके बाद उसको दो चीजें मिली। नंबर एक, उसी बात से जो मजाक उड़ाने वाले लोग थे उनको उस जहाज ने जवाब दिया। उसी विश्वास से उस जमाने के संसार के लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे और उन्हीं लोगों के सामने वो धर्मी ठहराया गया। बाइबल कहता है मराठी दिले नीतिमत्वाचा वतनदार, धार्मिकता का वतनदार। कौन सा वतनदार बनना है आपको? गाड़ी, बंगला, बड़ी प्रॉपर्टी, स्विमिंग पूल के साथ फ्लैट, कौन सा वतनदार बनना है आपको? धार्मिकता का वतनदार बनो, स्वर्ग आपको सलूट करेगा। सारे फरिश्ते, करोड़ों फरिश्ते आपको सलूट करेंगे जब आप धार्मिकता के वतनदार बनोगे। मेरी सोच, मेरी प्रार्थना कल रात से खुदावन ने बदल दी। मैं कुछ नहीं मांगा आज भी, बड़े कुछ मुझे एक ही चीज चाहिए प्रभु, जो नू को तूने दिया, नू के द्वारा उसकी पत्नी को दिया और नू की पत्नी और नू के द्वारा उसके बच्चे और बहुओं को दिया, वही चीज मुझे चाहिए। वो है आदरणीय भाई। वही आदरणीय भाई था जो संसार का मजाक उड़ाना या हालात ने उनको अस्थिर नहीं किया, कोई संसार में नहीं गया। बात की बात अलग है, कनान शापित हुआ या हम अलग जगह पे चला गया या फिर अलग जगह पे चला गया, वो बात की बात अलग है। लेकिन उन दिनों में वो आठ प्राणी क्यों बचाए गए, तो उसके पीछे का कारण है आदर युक्त भय। और इन दिनों में फिर से बताना चाहता हूं, अगर आपको आपके प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से अगर कोई बनाए रख सकता है तो वो है परमेश्वर का आदर युक्त भय, रेवरेंट फियर। अगर वो नहीं है तो मेरा प्रचार फेल है, मेरी बड़ी सेवकाई फेल। हमारे जीवन में निश्चित हमें तहजीब चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ रेवरेंट फियर भी चाहिए। वही रेवरेंट फियर ने क्या किया पता है? वही रेवरेंट फियर ने संसार को दोषी ठहराया और वही रेवरेंट फियर ने नू को धार्मिकता का वतनदार बनाया। आमीन, हालेलुया। इसलिए जो परमेश्वर अब्राहम, इसहाक, याकूब का नाम लेने वाला परमेश्वर, लेकिन जब संसार में रहने वाले लोगों की बात आती है ना, तो बाइबल घर जाके खोल कर पढ़ो, एजकेल 14:14 और एजकेल 14:20 में ऐसा जिक्र किया है। परमेश्वर कहता है अगर इस संसार में नू, अय्यूब और दानियल ये तीन लोग भी होंगे ना, तो मेरे लिए काफी है। आमीन, हालेलुया। क्यों आया नू का जिक्र? क्योंकि उसके अंदर जो आदर युक्त भय हनोक के अंदर था, जो आदर युक्त भय मथुशल के अंदर था, जो आदर युक्त भय लेमेक के अंदर था, वही आदर युक्त भय नू के अंदर था। इसलिए परमेश्वर वहां पे अब्राहम, इसहाक, याकूब मतलब तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब संसार में रहने की बात आती है स्थिरता से, स्वर्ग में तो अब्राहम, इसहाक, याकूब का ही परमेश्वर कहते होंगे, परमेश्वर के पुत्र का परमेश्वर कहते होंगे, लेकिन संसार में जब परमेश्वर दिखता है ना तो कहता है नू। आज मुझे उस नू के स्पिरिट में, मुझे पता नहीं ये मैसेज कितना समय तक चलेगा, लेकिन प्रभु बहुत सारी बातों से मुझसे बात कर रहा है। शायद नू के बाद हम अय्यूब के पास जा सकते हैं या अय्यूब के बाद हम दानियल के पास जा सकते हैं, क्योंकि ये वे लोग हैं जिनके ऊपर बहुत ही जटिल परिस्थिति थी, बहुत ही कठिन अवस्था थी, लेकिन ये लोग है वे अस्थिर नहीं हुए जो प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से रहे। इसलिए एजकेल 14:14 में परमेश्वर कहता है नू, अय्यूब और दानियल ये तीन लोग भी है ना तो मेरे लिए काफी है। थैंक यू। Worship you, Lord.